स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका एसीएफ रेंजर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं पीताम्बर प्रधान। आज हम जैव विविधता को, ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज हम देखेंगे भारत की जैव विविधता का वर्गीकरण। भारत में सन 2002 में जैव विविधता से संबंधित अधिनियम पारित किया गया था। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, भारत में वैश्विक जैव विविधता का केवल 7.5% ही स्थित है, जिसे कहीं कहीं 8% दिया गया है, ठीक है। अब इस भारत की जैव विविधता को हम जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसे हम देखते हैं। भौगोलिक जैव जो वर्गीकरण है, बायोलॉजिकल रेजियंस है, उसे हम 10 भागों में बांटा गया है। उसको हम 10 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये वो 10 भाग हैं जिन्हें हमें याद रखने हैं। लेकिन अगर जहां हम ये बायोलॉजिकल रीजन तो 10 है, लेकिन अगर प्रदेश में देखा जाए कि जो भी है बायोलॉजिकल प्रदेश में कितने बांटे गए, तो 25 प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने भौगोलिक यानी बायोलॉजिकल रीजन में बांटे हैं तो 10, अगर प्रदेशों में बायोलॉजिकल जो प्रदेश हैं प्रदेशों में कितने भागों में बांटा गया है तो 25 भागों में बांटा गया है। चलिए, जैसे पिछली बार का क्वेश्चन था, पिछली बार का क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया था, इसी में पर्यावरण में एनवायरनमेंट में, ये जो 10 रीजन है, कभी कभार क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका कि 10 कितने बायोलॉजिकल रीजन में बांटा गया है, तो 10 कितने प्रदेशों में बांटा गया है बायोलॉजिकल, अगर प्रदेश में बांटा गया क्षेत्र में बोला जाए तो 10 है और प्रदेशों में 25 है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इनमें से सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्षेत्र कौन किसका है। तो जैसा कि कुछ प्रदेशों का मैं परसेंटेज लिखा हूँ, आपको सारे परसेंटेज तो याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखना है कि ये जो 10 क्षेत्र हैं इनमें से सबसे बड़ा पहला ये हो जाता है आपका, इसको याद रखेंगे। मैं इसको अगर डिफरेंट कलर में लिखूँ तो आप देखेंगे कि ये अपना पहला स्थान बड़े स्थान से, यही पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो जो ये दक्कन है, एक्चुअली दक्कन प्राय प्रदेश, ठीक है, दक्कन प्राय प्रदेश, ये इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है क्योंकि 43% है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है अगर देखा जाए तो 15.6% के साथ ये इनका दूसरा स्थान हो जाता है। तीसरा स्थान गंगा का मैदान है। तो इस तरह से बड़े क्रम में अगर जमाने के लिए कभी आ जाए तो दक्कन का प्राय प्रदेश ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसके बाद आपका आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र, फिर गंगा का क्षेत्र, फिर जो सब पिछली बार पूछा गया था सबसे बड़ा क्षेत्र, हो सकता है अगर इसमें सबसे निम्न क्षेत्र पूछा जाए तो तटीय क्षेत्र है वो सबसे नगण्य है, ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और द्वीपीय क्षेत्र उसके बाद आते हैं जो थोड़े से परसेंटेज एरिया को रखते हैं। तो ये 10 क्षेत्र है जो भारत को 10 बायोलॉजिकल रीजन में बांटा गया है। अब इन 10 रीजन को या इन 10 क्षेत्र को इन्हीं 10 को किन में बांटा गया है, 5 इकोलॉजिकल रीजन में बांटा गया है। तो आप देखें जो इकोलॉजिकल रीजन है, इसी 10 को, भारत का ही एक, भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, अगर उसको हम लोग 5 इकोलॉजिकल रीजन में बांटें तो वो ऐसा बांटा गया है, इन 10ों को ही इन 5 में बांटा गया है। बिकॉज ये क्या है, बायोलॉजिकल, ये बायोजियोग्राफिकल रीजन है और ये जो है इकोलॉजिकल रीजन है। इन 10 बायोलॉजिकल रीजन को 5 इकोलॉजिकल रीजन में इस प्रकार से बांटा है। सो ये 1 से लेकर 5 इकोलॉजिकल रीजन है, जिसमें आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत क्षेत्र, प्रायद्वीपी भारतीय उप क्षेत्र, उष्णकटिबंधी या इंडो मलायन उप क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर सुंदरवन के मैंग्रोव्स हैं। तो ये जो 5 इकोलॉजिकल रीजन है, अगर इसमें सब मुख्य बातें कुछ अगर आपको देखना पड़े तो आप क्या, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे जस्ट अ मिनट, आप एक चीज़ गौर करेंगे, यहाँ आप देखें ये जो हिमालय है, हिमालय पर्वत क्षेत्र है, इसके 3 मुख्य पार्ट है। पहला जो हो जाता है इसका हिमालय गिरिपाद हो जाता है। हिमालय गिरिपाद मींस हिमालय फुट हिल्स बोलते हैं, इसको फुट हिल्स बोलते हैं। एक्चुअली इसके रीजन आप याद रखेंगे कि ये जो है आपके कश्मीर से, आप लिखें
तो ये दरअसल आएंगे आपके कश्मीर से लेकर असम तक। तो कश्मीर से टू असम, ये असम तक फैले हुए हैं, ये हिमालय गिरिपाद हैं। शिवालिक श्रेणी जो है वो इसी में आते हैं, शिवालिक श्रेणी की जो हिमालय हैं वो इसी क्षेत्र में आएंगे। इसी में दूसरा जो है आपका वो है आपका पश्चिम हिमालय। अब ये पश्चिम जो हिमालय है इनमें आपको सिर्फ विस्तार ही समझना है। पश्चिम हिमालय आप देखा जाए तो ये कश्मीर से लद्दाख होते से कुमायूं तक फैला हुआ है। कुमायूं तक फैला हुआ है। जो लास्ट है तीसरा हिमालय वो है आपका पूर्वी हिमालय। अब ये जो पूर्वी हिमालय है ये आपका सिक्किम से ये अरुणाचल प्रदेश तक है, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश तक है। तो आपको ये सबसे बड़ा रीजन हिमालय क्षेत्र है जिसमें आप देखेंगे इन पांचों इकोलॉजिकल रीजन में हिमालय पर्वत क्षेत्र को तीन अलग भागों में बांटा है। हिमालय गिरिपाद जिसको हिमालय फुट हिल्स बोलते हैं, ये कश्मीर से असम तक जहाँ शिवालिक श्रेणियाँ मिलती हैं। पश्चिम हिमालय जो कश्मीर से लद्दाख होते हुए कुमायूं तक फैला हुआ है, और तीसरा जो है वो पूर्वी हिमालय सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इन भारत के जो जैव भौगोलिक वर्गीकरण है उसको हम लोग देखें अभी बायोलॉजिकल या बायोजियोग्राफिकल रीजन में 10 है, इकोलॉजिकल में 5 रीजन है। इनके अलावा जो अगला हम देखेंगे वो है हॉट स्पॉट। ये जो हॉट स्पॉट है ये संवेदनशील एरिया जिनको कहते हैं, इनको देखते हैं भारत में किस तरह विस्तृत है। तो हॉट स्पॉट जैसा मैंने कहा, हॉट स्पॉट मतलब संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसकी पहचान सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स नामक वैज्ञानिक ने, पर्यावरणविद थे, 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट की पहचान दिया जो सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किए। हॉट स्पॉट एक्चुअली संवेदनशील क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं, वैसे स्थान जहाँ पर स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। दूसरी चीज़ है लेकिन जीव जंतुओं का जो अस्तित्व है वो निरंतर संकट, उन पे जो संकट निरंतर बना हुआ होता है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। अब इनकी संख्या भारत में तो 4 है, भारत में 4 हॉट स्पॉट है, इंडो वर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुडालैंड। ठीक है, तो लेटेस्ट क्या हो गया, सुडालैंड होगा। ठीक है, और सबसे जो धनी होगा वो पश्चिमी घाट है। धनी मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, लेटेस्ट क्या है सुडालैंड। ये जो है अंडमान निकोबार छोटे द्वीप समूहों का है, उन्हें ये श्रीलंका को लेकर ये बनाया गया है, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये क्षेत्र है सुडालैंड, ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। इनके अलावा हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे विश्व में मीन्स पूरे वर्ल्ड में अपने पास जो प्रेजेंट में 36 हॉट स्पॉट हैं, 36 हॉट स्पॉट्स हैं। इनमें सबसे जो लेटेस्ट हैं वो नॉर्थ अमेरिका की जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल रीजन जो है, जो कोस्टल प्लेट्स हैं, ठीक है, कहीं कोस्टल प्लेट रहेगा, कोस्टल एरिया रहेगा, उनको ये सबसे नई पहचान मिली है, जो लेटेस्ट है, दो 36वां जो हॉट स्पॉट है दुनिया में, उस 36वां का नाम है अमेरिका का कोस्टल एरिया, ये सबसे लेटेस्ट होगा। बाकी वर्ल्ड में अभी 36 हो गए हैं। ठीक है, पुराने बुक में ये 35 मिलेंगे पर वर्तमान में ये 36 है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, पर ये जो हॉट स्पॉट हैं आखिर इनको जो दर्जा कैसे मिलता है, तो संवेदनशील क्षेत्र नापने के तरीका है, पहला कंडीशन ये है कि वहाँ कम से कम 0.5% का स्थानीय रूप में 1500 संवहनी पौधे हो, और दूसरा 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों, ठीक है, या नष्ट होने के कगार पर हो। ठीक है, तो संकट बना रहता है, ऐसे को वो हॉट स्पॉट का दर्जा देते हैं। ठीक है,
इन दो कंडीशन को याद रखेंगे, ये इनमें कूट में मिलाओ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे देखते हैं, हॉट स्पॉट की तरह होप स्पॉट होता है। अब ये जो होप स्पॉट है, आप ध्यान दें कि होप स्पॉट ये समुद्री संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, मतलब समुद्र में स्थित हॉट स्पॉट को हम लोग क्या बोल देते हैं, समुद्री संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है। मिशन ब्लू के तहत इनका संरक्षण किया गया था, ठीक है। वर्तमान में विश्व में 50 होप स्पॉट है, ठीक है। होप स्पॉट की जो संख्या है वो 50 हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी कुछ हॉट स्पॉट्स की तरह। ओके, आगे देखते हैं ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, जिसे हम वैश्विक जैव विविधता के नाम से जानते हैं। इनमें संसार में 15 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज का निर्धारण किया जा गया है, और इनके अलावा 50,000 और ऐसे स्पीशीज है जिनका निर्धारण नहीं किया जा गया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक के अनुसार, इनके अनुसार पृथ्वी पर क्या है, जीवों को जो संख्या है, जीवों की संख्या है, उनको अगर घटते क्रम में लिखा जाए, जीव मीन्स जिसमें पादप और जीव जंतु दोनों आते हैं, ठीक है, उनके अलावा सूक्ष्म जीव, इन सबको मिलाते हुए अगर इनकी संख्या का क्रम घटते क्रम में लिखा जाए, तो बिना रीढ़ वाले जो जानवर हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, फिर कीट ज़्यादा होंगे, फिर पादप, कवक, रीढ़ वाले जानवर, रीढ़ मतलब जिनमें वो कसेरुक हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी, उसमें फिर प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये है आपका जीवों की संख्या का क्रम घटते क्रम में। कई बार ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शंस दे देगा, इनमें से संख्या के अनुसार जैव विविधता में पाए जाने वाले जीवों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी स्पीसीज कौन सी है, ठीक है। तो इसमें कीट, पादप, कवक, अगर रीढ़ वाले जानवर ऐसा ऑप्शन रहा तो कीट लगाएंगे सबसे ज़्यादा, पर इनमें अगर रीढ़ और बिना रीढ़ वाले ऑप्शंस में आए तो जो बिना रीढ़ वाले जानवरों की संख्या वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाएगा, सबसे ज़्यादा ये होंगे बिना रीढ़ वाले, फिर कीट सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है, फिर पादप, कवक, ऐसे, ठीक है। तो ये थी जीवों की संख्या घटते क्रम में पूरे ग्लोबल डाइवर्सिटीज में। अब आते हैं जैव विविधता के अनुसार, जैव विविधता के अनुसार पाए जाने वाले पादपों में घटते क्रम में और जंतु के घटते क्रम में। अगर हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो सबसे ज़्यादा कवक हैं, फिर शैवाल, फिर बायोफाइटा, फिर लाइकेन्स। विश्व में भी कुछ इस तरह से है, कवक और लाइका शैवाल तो सेम है, यहाँ हम बायोफाइटा पढ़े थे, यहाँ लाइकेन्स, फिर बायोफाइटा है, ठीक है, ये विश्व में। तो ये क्रम याद रखिएगा, ये भारत का क्रम है। कवक से, कवक सबसे ज़्यादा संख्या में है, इनकी जैव विविधता और ज़्यादा है, ठीक है। फिर शैवाल, बायोफाइटा, फिर लाइकेन्स, ठीक है। अब विश्व में कवक, शैवाल, लाइकेन्स और बायोफाइटा। वहाँ जंतु में आ जाए तो ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज प्रजातियों की बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा जो स्पीसीज है ये इनकी संख्या, जैव विविधता इनमें सबसे ज़्यादा है, फिर मोलास्का, फिर निमोटेडा, ठीक है। वहीं विश्व में आ जाए तो आर्थ्रोपोडा, मोलास्का तो सेम है भारत की तरह, यहाँ निमोटेडा है, यहाँ पे प्रोटिस्टा है। तो ये थी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्याओं का कुछ घटते क्रम में, भारत और विश्व के जो इनकी संख्याओं का क्रम था वो हम घटते क्रम में जमा दिए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से दिए गए जीवों में जैव विविधता का क्रम सबसे अधिक या सबसे कम किस में है, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से लगाना है। सबसे कम कवक में या सबसे ज़्यादा कवक में, और यहाँ पादपों के हिसाब से, यहाँ जंतुओं के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं वैश्विक जैव विविधता ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में विश्व को चार क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। ये प्रचुरता के आधार पर बांटा गया है, आप ये याद रखेंगे, ये प्रचुरता के आधार पर जैव विविधता को चार क्षेत्र में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है, ये चार क्षेत्र में पहले गिना देता हूँ, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिक जैव विविधता, कम जैव विविधता और निम्न जैव विविधता। तो जो अत्यधिक जैव विविधता क्या है, उनमें से ये चार रीजन जो है, ये जो मुख्यतः है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, ये सब अत्यधिक वाले रीजन में आता है। ऐसा कुछ ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दे देगा, अब उनमें कूट में आपको ये देगा इनमें जो क्षेत्र हैं ये कौन से क्षेत्र में आएंगे, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र,
कम जैव विविधता वाले क्षेत्र या निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो अपन ये देखते हैं उष्णकटिबंधी जो वर्षा वन है ये अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैसा कि ये प्रवाल भित्ति है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे प्रवाल भित्ति है, जैसे लक्षद्वीप है, मालदीव है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सब प्रवाल भित्तियाँ हैं। तो ये जो प्रवाल विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रवाल द्वीप है। इसी प्रकार आर्द्र भूमि की बात करते हैं जहाँ पर दलदली और जमीन पानी से मिला हुआ, पानी और भूमि से मिल रहा दलदली क्षेत्र है, वो ऐसे आर्द्र भूमियाँ हैं, ये भी अत्यधिक जैव विविधता वाला समृद्ध क्षेत्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय सागरी क्षेत्र जो होते हैं वो कोस्टल एरिया को बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप ये चार क्षेत्र याद रखें, ये चार अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, ये कैसे क्षेत्र होते हैं, ये वो क्षेत्र हैं जैसे ये आपने देखे, ये आपने देख लिया जहाँ पे अत्यधिक जैव विविधता बोला जाए तो ये चार क्षेत्र आते हैं। अब अधिक जैव विविधता वाले कौन से क्षेत्र होंगे, ये मैदानी क्षेत्र हैं, विश्व के जो भी घास के मैदान क्षेत्र वाले जो है, घास के मैदानी जो इलाके होते हैं, जैसे कि होते हैं सवाना के घास मैदान जो है, पेरी स्टेपीज पंपास वेल्ड डाउन्स, ये सब क्या है, घास के मैदान है जहाँ पे वे जैव विविधता जो है वो अधिकतम अधिक पाई जाती है, ना कि अत्यधिक, ठीक है। कम क्षेत्र वाले कहाँ होते हैं, कम क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या है, थोड़ी कमजोरी जैव विविधता थोड़ा कम पाया जाता है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वह क्षेत्र हैं जहाँ पे जीव जंतुओं की जो जैव विविधता कमज़ोर पड़ जाती है। अगर कम जैव विविधता का क्षेत्र बोले तो ये है कि जो उप ध्रुवी है, मतलब ध्रुव से थोड़ी दूर पहले, ध्रुवों से पहले उप ध्रुवी क्षेत्र है या मरुस्थल है, जो मरुस्थल एरिया होते हैं और उप ध्रुवी क्षेत्र होते हैं वो कम जैव विविधता वाले होते हैं। निम्न जैव विविधता वाले वह क्षेत्र हों जहाँ पर जैव विविधता बिल्कुल ही कम होती है, जैसे ध्रुव पे मीन्स पोल पे, जो भी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, ठीक है, वहाँ पे निम्न जैव विविधता आएंगे, ठीक है। तो ये मुख्य चार क्षेत्र हैं विश्व को जो प्रचुरता के हिसाब से रखा गया है। अत्यधिक क्षेत्र अत्यधिक जैव क्षेत्र होते हैं, अधिक जैव क्षेत्र, कम जैव क्षेत्र और निम्न जैव क्षेत्र। मैं बता दूँ कोई भी इनमें से एग्जांपल आपको दे देगा, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो सवाना की घास मैदान है वो विश्व जैव विविधता के किस क्षेत्र में रखा जाएगा, ठीक है, तो घास मैदान वाले जो क्षेत्र हैं वो आपके क्या आएंगे, ये आएंगे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अगर ये पूछा जाए कि आर्द्र भूमियों को किस जैव विविधता के क्षेत्र में रखा जाए तो वो अत्यधिक जैव विविधता, मरुस्थल बोला जाए तो कम जैव विविधता वाले क्षेत्र में, अगर ध्रुवी क्षेत्र बोला जाए, पोलर एरिया बोला जाए तो निम्न क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है। तो ये थे प्रचुरता के हिसाब से मीन्स मैक्सिमम पॉपुलैरिटी जो देखा जाता है, चाहे वो वनस्पति हो, पादप हो या फिर जीव जंतु हो, ये प्रचुरता के हिसाब से चार जैव विविधता के क्षेत्र हो जाते हैं। लेकिन संपूर्ण विश्व को 8 रीम क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। ये रीम क्षेत्र क्या है, ये 8 वो नाम हैं जिनको पूरे विश्व को जैव विविधता के 8 क्षेत्र में बांटा गया है, जिनमें से ये दो जो नाम हैं, ठीक है ये भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जो है भारत में स्थित है, ठीक है, स्थित है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व के जो 8 जैव विविधता के क्षेत्र हैं, ठीक है, रीम जिनको बोला जाता है, ठीक है, उनमें से भारत किन दो को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये दूसरा और तीसरा आप याद रखें इंडो मलायन क्षेत्र है, ठीक है, ये पेलीरेटिक रीम है जिसको, ये हिमालय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र है अपना, आप याद रखें ये हिमालय क्षेत्र है, ये इंडो मलायन क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र जो भारत इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आप ये याद रखेंगे। विश्व को जो 8 क्षेत्र में बांटा गया है, 8 रिम में बांटा गया है, उनमें से भारत कितने को प्रतिनिधित्व करता है, तो मात्र 2 को प्रतिनिधित्व करता है, वो है आपके ये 2, ठीक है, इन 2 को आपको याद रखने हैं, इन 2 को ही भारत प्रतिनिधित्व करता है, बाकी
जो है आप याद रखिए, संख्या याद रखिए कि रीम के हिसाब से पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 8 होंगे। दूसरी चीज़ हमको देखना ये चीज़ है, आपका जो ये वेविलोवियन है, जो सेंटर है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, ये जो वेविलोवियन है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने एक बुक लिखी है द फाइटो जियोग्राफिकल बेसिस फॉर प्लांट ब्रीड, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये पादपों की उत्पत्ति का जो प्रारंभिक केंद्र है, याद रखिएगा वेविलोवियन जो है उन्होंने किस चीज़ को बांटा है, एक्चुअली उन्होंने जो बांटा है पादपों की जो प्रारंभिक उत्पत्ति केंद्र है, ठीक है, इनको इन्होंने कुल 8 भागों में चिन्हित किया है। ये याद रखेंगे कि जो एट नंबर ऑफ, ये जो नंबर है वेविलोवियन ने पादप की उत्पत्ति के प्रारंभिक जो केंद्र है वो उनकी संख्या क्या है, 8 है, ठीक है। अब इनके हिसाब से, वेविलोवियन के हिसाब से, जो टोटल विश्व में कुल 66 फसलों की प्रजाति है, फसलों का जो प्रजाति है मतलब वो 66 प्रकार के फसल की प्रजातियां पा जाती है, ठीक है। तो वेविलोवियन से आपको क्या याद रखा है इनमें से पूरे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, कि अगर प्रचुरता के हिसाब से देखा जाए, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो अपन संख्या की बात करते हैं, तो उस हिसाब से विश्व को 4 भागों में बांटा गया है, अत्यधिक अधिक कम और निम्न में, 4 क्षेत्रों में। अगर हम रीम क्षेत्र की देखा जाए तो विश्व को 8 रीम क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें भारत को 2 प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, 2 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व तो भारत करता है, एक तो इंडो मलायन, दूसरा हिमालय क्षेत्र, जो सेकेंड और थर्ड, ये 2 नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, और बाकी ये संख्या याद रखना है। तीसरी चीज़ ये है, वेविलोवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के अनुसार इन्होंने एक बुक लिखी थी द फाइटो जियोग्राफिकल बेसिस फॉर प्लांट ब्रीडिंग में, ये किससे संबंधित है, ये वनस्पति पादपों से याद रखा, जंतुओं से नहीं, पादपों का जो उत्पत्ति के प्रारंभिक केंद्र है उनको इन्होंने 8 केंद्र माना है, और जो ये कहते हैं कि ये 166 फसलों की जो प्रजातियां हैं उनका जो प्रारंभिक केंद्र है वो 8 भागों में बांटा गया है। तो ये संख्याएं याद रखेंगे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इससे पहले हमने देखा भारत की बायोडाइवर्सिटीज़, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट के टॉपिक हम लोग करेंगे, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को देखेंगे।